नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। लगातार काम के चलते और भागदौड़ के बीच अगर आप खबरें नहीं देख पा रहे तो आपके लिए हम लेकर आए हैं पूरे राजस्थान को समेटे हुए एक बुलेटिन। इस आधे घंटे में हमारे साथ जुड़े हैं हर संभाग से रिपोर्टर्स, जो बताएंगे आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरें, क्या कुछ खास रहा आपके जिले, आपके कस्बे और आपके संभाग में। यही जानने के लिए शुरू करते हैं राजस्थान 10 बजे। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी ओजस गोयल। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और चीन में भी मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी तरह अलर्ट है। ACS मेडिकल रोहित कुमार सिंह ने प्रदेश भर के चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसी दौरान उन्होंने केंद्र के निर्देशों की पालना के निर्देश दिए। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोरोना वायरस के मद्देनजर की जा रही तैयारियों की जानकारी मांगी। इसी बीच ग्रामीण स्वास्थ्य अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश ने बताया कि अब तक 26 यात्री चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 7 को भर्ती किया गया है जबकि 19 यात्री बिल्कुल स्वस्थ हैं। अभी तक राजस्थान में चीन से आने वाले जो यात्री निगरानी में हैं उनकी संख्या 55 है और बिना लक्षणों के जो यात्री हैं उनकी संख्या 40 है, जिनको अपने घर में ही होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिन यात्रियों के लक्षण हैं उनकी, जिनको भर्ती किया गया है, उनकी संख्या 11 है और उसमें से 8 सैंपल्स अभी टेस्टिंग में हैं, तो 3 सैंपल्स नेगेटिव आए हैं, यानी कि वो कोरोना वायरस से ग्रस्त नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में PPE किट का प्रेजेंटेशन दिया गया और इसमें बताया गया कि संदिग्ध मरीजों के पास जाते वक्त इसका कैसे उपयोग करना है। चलिए अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई। पंचायत चुनाव 2020 के लिए अजमेर की 11 पंचायत समितियों के प्रधान पदों के लिए निकाली गई लॉटरी, तो वहीं सरवाड़, केकड़ी और सावर में पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी निकाली गई लॉटरी। कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे लॉटरी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें जिले की 11 पंचायत समितियों के लिए प्रधान पदों के लिए लॉटरी निकाली गई, जिसमें सावर SC महिला, पिसांगन SC, अजमेर ग्रामीण OBC महिला, सरवाड़ OBC, किशनगढ़ बिनाय, केकड़ी जवादा सामान्य और मसूदा अराई श्रीनगर सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुए। वहीं इस प्रक्रिया के बाद केकड़ी, सरवाड़ और सावर के पंचायत समिति सदस्यों के लिए लॉटरी प्रक्रिया निकाली गई। अजमेर ज़िले में प्रधान की लॉटरी निकाली गई है, जिसमें SC, ST, OBC, जनरल महिला और महिला के सभी के जो रिजर्वेशन के अनुसार निकालने थे वो हम लोगों ने लॉटरी निकाल दी है। इसके अलावा पंचायत समिति सरवाड़, केकड़ी और सावर में पंचायत समिति के सदस्यों में जनरल, OBC, SC, ST और महिला के जो आरक्षण के सीट प्रावधान के अनुसार निकाले जाने, वो आज हमने पूरी कार्रवाई पूरी कर ली है और आगे जैसा भी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश होंगे और अप्रैल के 2nd सप्ताह में जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार सारी कार्रवाई पूरी की जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ नेताओं के चेहरों पर खुशी नजर आई तो कुछ नजर आए मायूस। वहीं उदयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। लेक सिटी आने वाले सैलानियों के आकर्षण के सबसे बड़े केंद्र ऐतिहासिक सिटी पैलेस परिसर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक पैंथर सिटी पैलेस के पिछले वाले हिस्से में जा घुसा। पैंथर के सिटी पैलेस परिसर में आने की सूचना तुरंत वन विभाग की टीम को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। उदयपुर के सिटी पैलेस परिसर में आज पैंथर घुस जाने से हड़कंप मच गया। पैलेस के गार्ड्स द्वारा पैंथर देखे जाने की पुष्टि के बाद वन विभाग की टीम को इस बारे में सूचना दी गई। वन विभाग की टीम और शूटर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, लेकिन पैंथर को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका। दरअसल पास के ही वन क्षेत्र से सिटी पैलेस परिसर में घुसकर आया पैंथर दरबार हॉल के नीचे बने कोठरीनुमा गलियारे में जा बैठा। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों ने पैंथर के बाहर निकलने के रास्ते पर पिंजरा रखवाया ताकि पैंथर को पकड़ा जा सके। पैंथर के पैलेस में आने की सूचना के बाद सैलानियों और पर्यटकों की भी आवाजाही रोक दी गई। वन विभाग के आला अधिकारी पैंथर के मूवमेंट पर दिन भर नजर गड़ाए रहे कि एक पैंथर सिटी पैलेस में एंटर कर गया है और उसी समय
हमारा स्टाफ वहाँ पहुँच गया था और रात से वहीं है और उन्होंने लोकेट कर लिया है, पैंथर अंदर ही है और जिस जगह पर वर्तमान में है वहाँ दोनों तरफ से जो उनकी एंट्री है वो उन्होंने बंद कर दी है और उसके अलावा जो अलग से जो टूरिस्ट की एंट्री थी वो भी उसमें बंद कर देगी, इसलिए वो एक सेफ़ जगह है, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है और उसके लिए उन्होंने पिंजरा जो ट्रैप केज लगाते हैं उसको भी वहाँ स्थापित कर दिया है और हमें पूर्ण आशा है कि उसमें ट्रैप में वो आज या रात तक या कल सुबह तक आ जाएगा। दरअसल ये पैंथर दरबार हॉल के ठीक नीचे वाले हिस्से में एक ऐसी कोठरी में जा बैठा जहाँ पर अतिरिक्त सामान भरा हुआ था और वन विभाग की ट्रैंकुलाइज करने वाली टीम को इसमें अंदर एंटर करना जोखिम भरा और मुश्किल साबित हो रहा था। ऐसे में वन विभाग की टीम ने पैंथर के निकलने और पिंजरे में आने तक का इंतजार करना ही उचित समझा। वहीं भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में शाही पनीर, खोवा पनीर या बटर पनीर का ऑर्डर दे रहे हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पनीर इन सब्जियों में आने वाला है वो जहरीला और नकली भी हो सकता है। आज भरतपुर में बयाना के पास पुलिस ने एक ऐसे ही कारखाने का भंडाफोड़ किया है जहां की बड़े पैमाने पर नकली पनीर बनाया जा रहा था। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में भी आज पुलिस की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने नकली पनीर बनाने के एक कारखाने का भंडाफोड़ किया है जहां से भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित नकली पनीर बरामद किया है। पुलिस की टीम ने भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के समीप बिड़ियारी गांव के पास एक मकान में चल रहे नकली पनीर बनाने के इस कारखाने का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में रिफाइंड पनीर बनाने का पाउडर, खाली पीपे, उपकरण आदि सामान जब्त किए हैं, साथ ही एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। भरतपुर जिले के मेवात इलाके में भी नकली पनीर व मावा बनाने का कारोबार जोरों पर चलता है और कई बार पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया भी गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गोरख धंधा धड़ल्ले से जारी है। भरतपुर जिले में नकली पनीर व मावा बनाने का कारोबार लंबे समय से जारी है और पूर्व में भी पुलिस द्वारा कई बार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इन फैक्ट्रियों में जो पनीर बनता है उसे आकर्षक पैकिंग में भरतपुर शहर के अलावा राज्य के अन्य शहरों में भी धड़ल्ले के साथ सप्लाई किया जाता है। बीकानेर की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। यूं तो एटीएम तोड़ने की बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन बीकानेर में जो घटना सामने आई है वो इस मायने में थोड़ी अलग हो जाती है कि यहाँ एक बदमाश ने ट्रैक्टर से बांधकर एटीएम को घसीट लिया और काफ़ी दूर तक ले भी गया। हालांकि बाद में पुलिस की मुस्तैदी कहिए कि पुलिस को पता चलने के चलते वो ट्रैक्टर छोड़कर बदमाश फरार हो गया। नया शहर थाना अधिकारी गुरुभूपेंद्र ने बताया कि पूरे मामले में करीब 2,96,000 रुपये एटीएम में ही मिले हैं, यानी वो तोड़ नहीं पाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस घटना से एक बार फिर ये साफ हुआ है कि चोरों और बदमाशों के निशाने पर एटीएम रहते हैं, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। तो इधर आईजी जोस मोहन ने सदर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। यहाँ थाना अधिकारी, DYSP सहित तमाम लोगों से अपराधों की समीक्षा को लेकर फीडबैक लिया, प्रगति रिपोर्ट ली और कहा कि अपराधों पर अंकुश लगे ये बेहद ज़रूरी है। आज CO सदर ऑफिस का वार्षिक निरीक्षण है वो किया जा रहा है और यहाँ कोर्ट का जो संधारण कैसे हैं और पिछले एक साल में कैसे कार्यकाल रहा है, कार्यशैली रहा है, अब इसका समीक्षा किया जा रहा है। पिछले एक साल में कैसे रहा है, अपराध में बढ़ोतरी है या नहीं, उनका सुपरविजन कैसे रहा है और कितने गंभीर अपराध के मौके पे गए, कितने इसमें प्रभावी सुपरविजन रहा है। साथ ही साथ उन्होंने निर्देशित किया कि पुलिस का आम जन के साथ बेहतर व्यवहार रहे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता में विश्वास कायम होगा तभी अपराधियों में डर होगा। वहीं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव। जोधपुर के झंवर पुलिस थाना क्षेत्र में दो परिवारों में जमीनी विवाद के चलते आज फायरिंग की घटना सामने आई है और उसमें एक युवक के गोली लगने के साथ ही जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार चल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो जिस तरीके से पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लेकिन जो पारिवारिक झगड़े हैं वो भी इस तरीके से बार रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर धवा की सरहद के पास जिस तरीके से दो विश्नोई परिवारों में लंबे समय से विवाद चल रहा था और आज नौबत
फायरिंग की आ गई। जिस तरह से फायरिंग की गई है, जिस अशोक विश्नोई के पिंडली में गोली लगी है, हालांकि खतरे से हालत बाहर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी मथुरादास मथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गर्दा मारवा था, चार जना हम फायरिंग करी थी, मार पकड़े लगे। फुरकाराम, मांगीलाल, सोनाराम, अमरपाल, चार जना। अच्छा, कहीं लेना आया था? कैंपर गाड़ी लेना आया था। पिस्तौल ले गई यहाँ पे? पिस्तौल ही, व्हाइट कलर की, सफेद कलर की। और पुलिस की टीमें लगातार आरोपी की तलाश में जुटी है। जिसने गोली चलाई है उसकी सरगर्मी से तलाश की गई है। नाकेबंदी कराने के साथ ही अलग अलग स्थानों पर टीमें भी भेजी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही आरोपी पकड़ में होगा, लेकिन ये पारिवारिक विवाद है, क्योंकि इस बदले की भावना जो है वो भी कई बार काम करती है, और ऐसे में देखना है कि इस विवाद को पुलिस कैसे निपटाती है। वहीं कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद मुल्तान। कोटा में एक बार फिर से शुरू हुई रजवाड़ा क्रिकेट लीग की धूम। लीग के आगाज के साथ पहले दिन हुए चार मैच। लीग का पहला मैच अजमेर वॉरियर्स और जयपुर पिंक सिटी के बीच खेला गया, जिसमें अजमेर की टीम ने जयपुर की टीम को 71 रनों से मात दी और जीत दर्ज की। इसके साथ ही पहले दिन का दूसरा मैच उदयपुर और कोटा के बीच खेला गया, जिसमें उदयपुर की टीम ने कोटा को 7 विकेट से शिकस्त देकर करारी हार का मुँह दिखाया। वहीं तीसरा मैच जोधपुर जोदाना और जैसलमेर जगुआर के बीच हुआ, जिसमें जोधपुर जोदाना ने 30 रनों के अंतर से जैसलमेर को हराते हुए जीत दर्ज की। चौथा मैच चित्तौड़गढ़ चेतक और बीकानेर डेजर्ट के बीच हुआ, जिसमें चित्तौड़ चेतक ने 9 विकेट से जीत हासिल की। RCL सीजन 5 के पहले दिन अभिनेता शहजाद खान, जोजो, अभिनेत्री सरगम और क्रिकेटर पंकज सिंह भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय जेके पेविलियन में चल रही लीग के पहले दिन चीयर लीडर्स ने भी मैच के दौरान रोमांच को दोगुना कर दिया। जो RCL रजवाड़ा क्रिकेट लीग वापस से शुरू हुई है, इसके अंदर कोटा के जो पोटेंशियल और राजस्थान के जो टैलेंटेड खिलाड़ी, उनको अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। पिछली बार भी जब 2016 और 17 के अंदर यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी, चाहे खलील हो, नागरकोटी हो, उन लोगों ने यहाँ परफॉर्म किया, राहुल चाहर हो, उसके बाद वो राजस्थान के लिए सिलेक्ट हुए, इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए। तो 7 फरवरी तक चलने वाली इस लीग के विभिन्न मैचों के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और फिल्मी सितारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुँचेंगे।